वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं हैदराबादी मिर्चियों के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिर्चियों का सालन। मिर्ची का सालन बनाने के लिए मैंने यहां पे 50 ग्राम खोपरा, 50 ग्राम तेल और 50 ग्राम फली को भून लिया है। इसे मैं भूनकर पेस्ट बनाकर रेडी कर लूंगी। तो मैं मिर्ची के सालन को बघार दूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून राई ली है, 2 पिंच मिर्ची सीड्स है और 2 पिंच ही कलौंजी सीड है, कलौंजी के दाने। अब मैं इन दानों को चिटकने दूंगी। अब मैं इसमें करिया पत्ता ऐड करूंगी। तो आप देख सकते हैं अब राई के दाने चिटक रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मिर्ची ले ली है जिसे मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब ये मैं मिर्ची इसमें ऐड कर दूंगी। कवर करना जरूरी है और यहाँ पे मिर्ची को कट लगाना जरूरी है, वरना मिर्ची उछल सकती है बहुत। मिर्ची को मैंने अच्छे से तल लिया है। इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी। तो ये हरी मिर्ची, 1 टीस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट है, सॉल्ट टू टेस्ट है, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर है और आधा टीस्पून ही धनिया पाउडर है। मैं इन मसालों को 1 मिनट के लिए तल लूंगी मिर्ची के साथ में ही, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। मसाले अच्छे से तले जा चुके हैं। अब मैं इसमें जो मैंने मसाला का पेस्ट बनाया है, खोपरा तिल और हल्दी का पेस्ट, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और मैं मसाले को भी भून लूंगी मिर्चियों के साथ में। मैंने यहाँ पे ग्राइंडर को रिंस कर लिया है, मसालों के जार को। अब मैं इसे खुशबू आने तक मसालों को भून लूंगी। तो एक बार मैं इसमें चमचा हिला दूंगी। देख सकते हैं आप, मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है और काफी ऑयल भी आ चुका है। अब मैं इसमें इमली का खट्टा ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 लेमन साइज की इमली ली है, इसका खट्टा मैं निकाल दूंगी और सालन में डालूंगी। अब मैं सालन में इमली का खट्टा ऐड कर दूंगी और इमली के खट्टे को पकने तक मैं इसमें उबाल आने तक पका लूंगी इसको। तो खट्टे में उबाल आ चुका है। अब मैं स्टोव की फ्लेम कम कर दूंगी और इसे 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पका लूंगी। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे स्लो फ्लेम पर पका लिया है। अब मैं स्टोव की फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे सर्व कर दूंगी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होती है यह सालन की। बनकर तैयार है मिर्चियों का, हैदराबादी मिर्चियों का सालन। इससे पहले भी मैंने एक और रेसिपी शेयर की है, उसे जरूर देखिए। अगर आपको मेरी ये मिर्चियों की सालन की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को और इसे बहुत सारे लाइक कीजिए। और मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलती हूँ।